बाबा मोहन राम मंदिर में की गई बाबा मोहन राम की मूर्ति स्थापना। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताज़ा खबरों में आपको बता दें कि फर्रुखनगर खंड के गांव मुशेदपुर में बाबा मोहन राम मंदिर प्रांगण में मंगलवार को विशाल कलश यात्रा एवं मूर्ति स्थापना की गई तथा बुधवार को हवन यज्ञ कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में करीब 251 सुहागिन महिलाओं ने कलश अपने सर पर उठाकर यात्रा का हिस्सा बनी। यह कलश यात्रा बाबा मोहन राम मंदिर से चलकर डीजे बाजे के साथ गाँव की परिक्रमा करते हुए बाबा मोहन राम जय के नारों के जय घोष से डीजे बाजे पर झूमते श्रद्धालुओं के साथ वापस मोहन राम मंदिर पर पहुंची। इस दौरान भव्य झांकी भी निकाली गई। इस अवसर पर बाबा मोहन राम का झंडा हाथों में लिए युवा एवं नन्हे मुन्ने बच्चों ने जमकर नारे लगाते हुए यात्रा का हिस्सा बने। उसके उपरांत कृष्ण राधा एवं बाबा मुन्ने बच्चों ने उसके उपरांत कृष्ण राधा एवं बाबा मोहन राम की मूर्ति की स्थापना पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ की गई। उक्त जानकारी देते हुए रामवीर यादव ने बताया कि शाम को जागरण एवं बुधवार को हवन यज्ञ कर भंडारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की अपील की। इस मौके पर हजारों की संख्या में औरतें, बुजुर्ग, युवा एवं नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद रहे।